बताओ, आप बताओ, जिससे अपना कुछ भी बताओ, जिससे अपने को और दूसरों को लाभ होता हो, वो क्या है? जैसे गरीबों को खाना खिलाना, किसी का भला करना, किसी को सुख देना। क्या नाम आपका? आदर्श भदौरिया। आदर्श जी, चलो आदर्श के लिए भी ताली बजा दो भाई, बैठो। ये अच्छी बात है कि जिससे अपने को या दूसरों को सुख मिलता हो, किसी का भला करना, किसी का अच्छा करना, किसी को सुख देना, ज्ञान देना, सहायता करना, ये अच्छी अच्छा काम है। और अपने को, मनुष्य को और मनुष्यतर अपने को, स्वयं को, दूसरे मनुष्यों को और दूसरे मनुष्यतर जीवों को, जगत को, संसार में किसी का भी बुरा करना, किसी को दुख देना, यही बुरा करना। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आपको दुख मिले या अन्य मनुष्यों को या मनुष्यतर जीवों को दुख मिले। तो मैं कह रहा था आपको कि जीवन में बड़ी बाधा है, जो बहुत बड़ी बाधा बताई मैंने, आलस्य की बाधा बताया, और दूसरी तीसरी चीज हो निराशा, उसमें बाधा बताई, और क्या बताया था, तीसरी चीज सबसे बड़ी बताई, गलत अभ्यास। ये इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, जो बुरी आदतें हैं ये हमारे जीवन में हमको बड़ा बनने से, आगे बढ़ने से क्या करती हैं बोलो। तो आज एक संकल्प ले लो कि आज से हमें जीवन में कोई बुरी आदत दो। सुबह देर से उठना अच्छी आदत है कि बुरी आदत? सुबह उठकर के आलस्य करना बुरी आदत है कि अच्छी आदत? सुबह उठकर के योग करना अच्छी आदत है कि बुरी आदत? सुबह उठ करके, सुबह जल्दी उठना, योग करना, पढ़ाई करना, क्या करना? पढ़ाई करना। क्या करना बोलो? पढ़ाई करना, यह अच्छी आदत है। आज ये जो बात बता रहा हूं इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, आपके सबके माता पिता आपको सफल होना देख, कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं कि नाम कामयाब? कामयाब देखना चाहते हैं, सक्सेस देखना चाहते हैं अपने लाइफ में। आपको आज इस बात को अच्छे से याद रखना है कि हमारे भीतर, सबके भीतर महान होने की शक्ति है। क्या बोला? हम सबके भीतर बोलो, हम सब पुरुषों में महापुरुष होने की शक्ति, हर मानव में महामानव होने की शक्ति, हर नर नारायण, हर जीव में ब्रह्म होने की शक्ति है। आप युग नायक, राष्ट्र नायक, आप विश्व नायक, आप युग, आप आत्म विजेता, राष्ट्र विजेता, विश्व विजेता होने की शक्ति रखते हैं। ये चीज मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि सब मनुष्यों में यह सामर्थ्य है, आप बहुत बड़े हो सकते हो। सेक्टर्स, जीवन के जो पहलू हैं, जीवन की जो दिशाएं हैं, वो अलग अलग होंगी, लेकिन आप सब महान हो सकते हो। क्या बोला? आप सब, हम सब एक समान हैं, बोलो, हम सब एक समान हैं, हम सभी महान हैं, हम सभी महान। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण महान है, कुछ लोग कहते हैं क्षत्रिय महान है, कुछ लोग कहते हैं वैश्य महान है, कोई कहते हैं दलित महान है। आप में से कुछ बच्चे ब्राह्मण परिवारों में पैदा हुए, कुछ बच्चे अहीर, जाट, गुजर, राजपूत आदि क्षत्रिय परिवारों में पैदा हुए, कुछ वैश्य परिवारों में पैदा हुए, कुछ शूद्र दलित परिवारों में पैदा हुए। जन्म से सब एक ही जैसे होते हैं, जन्म से सब एक समान हैं, कर्मों से महान बनते हैं। ये महानता की शक्ति सब में है, इसलिए मैंने बोला हम सब एक समान हैं और हम सभी महान है। बोलो, हम सब एक और हम सभी। लेकिन ये सब महान हो नहीं क्यों पाते? ये कारण है,
जो प्रमाद करेगा वो महान तो कौन बनेगा? जो पुरुषार्थ, जो निराशा में जिएगा वो महान नहीं बनेगा, जो आशा विश्वास उत्साह अहम इंद्रो न पराजिज्ञ कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सभ्य आहित अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षमृतम आसन अर्कस्य धातु रस्य विवानो अदस्यो घर्मो हविरस्मि नाम। एक बात पहले उल्टी बोली थी, सीधी बोल रहा हूं। जो आलसी होगा वो महान, जो प्रमादी होगा वो महान, जो पुरुषार्थी होगा वो महान, जो निराशा में जिएगा, कुंठा में अविश्वास में जिएगा वो महान, जो आशा में उत्साह में शौर्य में पराक्रम में ऊर्जा में जिएगा वो महान बनेगा। अब उल्टी बात कही थी, जो बुरी आदतों में जिएगा वो महान, जिसकी आदतें अच्छी होंगी वो महान। अच्छी आदत कौन सी? अच्छा सोचने की आदत, अच्छा 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 और अच्छा ने और पीना, दो तो काम करता है, भी है पीते भी है कुछ लिक्विड, और उल्टा खाए पिए तो, दारू पिए तो, मुर्गा खाए तो, तंबाकू खाए तो, खाना पीना दोनों चलता है ना, उल्टा खाना पीना नहीं। अच्छा सोचना, अच्छा 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 और पीना, और हाथों से अच्छा और दिल में अच्छा भाव, बस इतनी सी बात है, इतनी सी जिंदगी है, बाकी तो सब करना पड़ेगा प्रैक्टिस। सबसे बड़ी चीज है जीवन में कर्म। जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है बोलो? जो कर्म करेंगे, कर्म ये बहुत बड़ी चीज है ना, पढ़ना भी एक कर्म है, सारी चीजें अल्टीमेटली कर्म ही होती है ना, कर्म के बिना सब कुछ बेकार। अच्छा बताओ, कोई एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज तो बहुत अच्छा रखता है और खेती नहीं करता तो उसके खेत में फसल हो जाएगी? बोलो, करना। आपके आपने पढ़ाई तो खूब कर ली और जब लिखने की बारी आई, ये लिखना कर्म है ना, जब लिखने की बारी एग्जाम में आई तब आप कोरा का कोरा छोड़ा है तो पास हो जाओगे? नहीं। सब चीज कहानी चाहिए कर्म में, सब चीज कहानी चाहिए बोलो, कर्म 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 करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, है ना। तो आज का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने कहां से शुरुआत की थी? लाइफ लाइक ए सी, जीवन किसकी तरह है बोलो, और हमें दो तरह के बीज हैं, ये भी मामला जबरदस्त है, उल्टा बीज भी है, बुरा बीज भी है, अच्छा बीज, हैवानियत का बीज भी है, शैतानियत का बीज है, और इंसानियत का बीज भी, माने हैवान का बीज भी अंदर आया है और इंसान का। ये ओसामा बिन लादेन, बगदादी, ये जो बड़े बड़े जो लाखों लोगों को करोड़ों लोगों को मारते हैं, अभी भी मार रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं पूरी दुनिया में, अभी सीरिया में चल रहा है आजकल, इससे पहले इराक में चल रहा था, उससे पहले अफगानिस्तान में चल रहा था, ऐसे चलता ही रहता है। तो अच्छे बीज भी हमारे अंदर, बुरे बीज भी है, हाँ ये मामला जबरदस्त है। तो अच्छे बीज को पैदा करना है और बुराई के बीज का नाश करना है, बीज नाश करना है किसका? बुराई का। तो आपके अंदर बुरी चीज भी आएंगी, आपके किसमें? दिमाग में, आपकी आंखों में, आपके आपके दिल में, दिल में बुरी चीजें भी तो आती रहती हैं। अरे यहां गुरुकुल में तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, भागे यहां से। दिल में भी बुरी चीज बोलो आती रहती है, दिमाग में भी बुरी चीज, बुरी चीज देखने की इच्छा होती रहती है, बुरी चीज सुनने की भी इच्छा होती है, बुरा करने की भी इच्छा होती है, लेकिन अच्छा भी तो होता है। तो हमें ये दोनों, क्योंकि ये दोनों चीजें कैसे, ये अच्छी और बुरी दोनों चीजें क्यों चल रही हैं साथ साथ, ये रॉन्ग और राइट दोनों की फाइट अंदर है कि नहीं है बोलो, है, ये क्यों है, व्हाट इज द रीजन?
दोनों चीजें हैं, ये स्वभाव है इसका। दिस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ये अस्तित्व का स्वभाव है। ऐसा होता है, अब क्या करें, ऐसा है। कैसा है, अब बिजली के हाथ लगा दो तो मार देती है, और उसमें ट्यूबलाइट लगा दो तो प्रकाश कर देती है, तो दोनों ताकत है कि नहीं है। अग्नि को से आप खाना पकाओ तो देखो सब अच्छी अच्छी चीजें पक जाती हैं, और उसमें हाथ डालो तो हाथ जला भी देती है। तो हर जगह नेगेटिव और पॉजिटिव पावर है, फायर में भी है, एयर में भी है। अभी आंधी बहुत तेज आए तो बोलो तूफान में सब कुछ उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता, और हवा बिल्कुल ही ना चले तो गर्मी लगती है कि नहीं लगती। हर चीज एयर में, वाटर में, सोयल में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें हैं। एक जमीन में ही आप तंबाकू भी पैदा कर सकते हैं, और उसी में आप शाक सब्जी, लौकी, घिया, तोरई, गेहूं, बाजरा सब पैदा कर सकते हैं। तो बोलो, लैंड में भी नेगेटिव पावर है और नेगेटिव प्रोडक्शन भी है, पॉजिटिव प्रोडक्शन भी है। एवरीवेयर, सब जगह इन नेचर, दिस इज राइट थिंग और रॉन्ग थिंग। पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव नॉलेज एंड नेगेटिव नॉलेज, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव एक्शंस एंड नेगेटिव एक्शंस, एवरीवेयर टू थिंग्स आर इक्वल, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो हमें पॉजिटिव मोड पर रहना है या नेगेटिव पर? नेगेटिव पे क्यों नहीं रहना? क्योंकि उससे कोई लाभ, उससे कोई उपलब्धि, उससे कामयाबी, उससे सुख नहीं मिलता। इसलिए हमेशा कैसे रहना है, पॉजिटिव रहना है। अपनी नेगेटिव चीजों में अपने दिमाग को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या बोला, नेगेटिव चीजों में अपने किसको नहीं लगाना, और किसको नहीं लगाना, मन को दिल को और बल को, अपने कर्मों को। नेगेटिव कर्म नहीं करना, नेगेटिव नॉलेज, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एक्शंस, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, दीज आर नॉट गुड फॉर अवर लाइफ। तो कुछ बातें समझ में आई, क्या बात समझ में आई, निष्कर्ष क्या निकला, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ माय थॉट्स, माय स्पीच? कभी भी हमें गंदे काम नहीं करने चाहिए, बुरे अभ्यास नहीं करने चाहिए, ठीक है। और आप बताओ, बैठ जाओ। और दूसरों को भी पीड़ा होगी, हम यदि बुरा काम करेंगे तो खुद भी दुखी होंगे और दूसरों की को भी दुख देंगे। ये दूसरी भी बात बता दी भाई, अपने भी दुखी होंगे और उनको भी दुखी करेंगे। हम यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारी पढ़ाई न करने से कौन कौन दुखी होंगे, हम और हमारे माता पिता। और हम अच्छे नहीं बने तो अपना देश भी दुखी रहेगा। चलो, मैंने अच्छी पढ़ाई की, मैंने अच्छे भाव रखे और मैंने अच्छे कर्म किए, तो उसका लाभ मुझे ही हुआ या औरों को भी हुआ? किस किस को हुआ? माता पिता को और देश को, और आप लोगों को लाभ नहीं हुआ? ये गुरुकुल नहीं बना दिया? हमने अच्छे कर्म किए तो उससे हमारा तो लाभ ये हुआ ही कि हम बड़े खुश हैं। उससे आपको भी लाभ हुआ, समाज को भी लाभ हुआ, देश को भी लाभ हुआ, और पूरी दुनिया का लाभ हुआ। मेरे साथ बोलो, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, जोर से बोलो, जमी सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां, मिटा दो जुल्म की आधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो।
तुम्हारे कारवां को नौजवान सलाम करे, तुम्हारे कारवां को हर जवान सलाम करे, करो आओ काम की सारा जहां सलाम करे, हे करो आओ काम की सारा जहां जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे, हे करो काम की सारा जहां। बोलो भारत माता की जय। एक बार भी झूठ मत, क्यों, क्या पड़ जाएगी झूठ बोलने की, एक बार भी बीड़ी सिगरेट शराब क्या पड़ जाएगी, बीड़ी सिगरेट शराब पीने की क्या पड़ जाएगी, एक बार भी किसी को मारो मत, ऐसे किसी को ऐसे थप्पड़ मारने की आदत पड़ गई ना, तो जोर से थप्पड़ मारने की, पहले धीरे मारो फिर आदत पड़ जाएगी, जो भी देखेगा उसी को थप्पड़ मारोगे, किसी किसी को ऐसे आदत पड़ जाती है, खड़े हो, किसी किसी को ऐसे आदत पड़ जाती है ऐसे कपड़ा खींचने की, ऐसे कपड़ा खींचेंगे, किसी को आदत पड़ जाती है गिली गिली करने की, किसी को आदत पड़ जाती है किसी के टांग मारने की, तो टांग मारेगा फिर ऐसे, ये बुरी आदतें हैं, किसी को आदत पड़ जाती है बैठे बैठे तिनके तोड़ने की, बैठ करके जो भी पड़ा रहेगा ना उसको तोड़ने में लग जाएगा, फूल रखा है तो उसको 10-20 टुकड़े कर देगा, किसी किसी को किसी किसी को बैठ करके ऐसे टांग हिलाने की आदत पड़ जाती है ऐसे, फिर ऐसे टांग हिलाएगा इतनी जोर जोर से, देखो ऐसे 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 टांग हिलाता रहेगा, क्या पड़ गई टांग हिलाने की, अब इसकी आदत ऐसी पड़ गई कि रात को सो रहा है तो भी सोते सोते भी टांग हिला रहा है, सच्ची होता है, कुछ आदमियों को रात को सोते सोते चलने की आदत पड़ जाती है, तो सोते सोते चल पड़ते हैं, हाँ आदत, ज्यादा खाने की, एक बार ज्यादा खाया तो फिर दूसरे दिन भी ज्यादा खाता, फिर कहता ज्यादा खा लिया, ज्यादा खाने की आदत, ऐसे उल्टा बैठने की, ऐसे बैठने की आदत पड़ गई तो थोड़ी देर में, पहले तो ऐसे कमर रहती है फिर थोड़ी देर में कैसे हो जाती है सारी चीज। अब एक बात पर याद चीजें खत्म कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ना पढ़ने की आदत, अब एक दिन भी तुमको आलसी बनने की आदत पड़ गई ना तो गलत बात है। देखो मैं अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ हूं, मेरे माता पिता दोनों को सिग्नेचर भी हस्ताक्षर भी करना आता नहीं है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, आजकल गरीब लोग भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते नहीं है, फिर उसके बाद गुरुकुल में आके पढ़ा, फिर मैं पढ़ लेकर के बड़ा हो गया, फिर मैं इस गुरुकुल में आया था तो मैं इस गुरुकुल का पहला आचार्य मैं हूं और उसके बाद का आचार्य सत्यव्रत जी है, इनका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करो। तो हमने इनको फिर तैयार किया, इनको पढ़ाया कि भाई अब आप यहां भी गुरुकुल चलाओ, अब ये गुरुकुल चला रहे हैं, और अभी इस समय जो भी देश में गुरुकुल चल रहे हैं उन देश के सर्वश्रेष्ठ गुरुकुलों में एक गुरुकुल गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा है, उसके आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। अब आपको आज जो बात मैंने बताई उसका मतलब यह था कि आप सभी बहुत महान हो, यू आर ग्रेट, योर कंट्री इज वेरी ग्रेट एंड योर मदर एंड फादर योर फैमिली इज वेरी ग्रेट, you are very grateful you are here and this gurukul is very great, your guru is very great, our country is very great, everything is great, everything is best, ultimate, sab kuch mahan hai, sab kuch bahut acha hai, lekin is sab ke beech mein bhi hum aage nahi badh pate, to uske karan maine aaj aapko bataye usko dur karna hai, to teen bade karan samajh mein aaye, baki to chote chote aur bhi hain। एक कारण, कभी जिंदगी में प्रमाद क्या करना, तो ये बोलना नहीं,
मैंने बोला था ना डायरी चाहे ना भी हो तो अपने दिमाग में दिल में रोम रोम में कूट कूट करके बात भर जाए जिसको आप कभी ना भूलें। जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है प्रमाद। जीवन का सबसे बड़ा शत्रु क्या बोलो? और जीवन में सबसे बड़ा मित्र क्या है? पुरुषार्थ। एक चीज। दूसरा, जीवन में सबसे बड़ी चीज है निराशा, और सबसे बुरी चीज निराशा और सबसे अच्छी चीज आशा, उत्साह, प्रसन्नता, वीरता, शौर्य। तीसरी चीज, जीवन में सबसे बुरी चीज है बुरी, और सबसे अच्छी चीज क्या है? अच्छा सोचना, अच्छा पढ़ना, अच्छा विचार करना। अच्छा खाना पीना, अच्छा अच्छी भावना, अच्छी और अच्छे, ये तीन चीजें तो याद रह जाएंगी। और जो ये तीन चीज कर लेंगे फिर वो मानव से क्या बन जाएंगे? जोर से बोलो, मानव से, पुरुष से। हाँ, हम छोटे बच्चे थे ना, प्रार्थना पढ़ते थे गुरुकुल में, नहीं स्कूल में, स्कूल में नहीं, प्रार्थना बोलते थे सुबह सुबह, प्रेयर करते ना, मैं वह पुरुष बनो भगवान बढ़े भारत की जिससे शान, मैं वह पुरुष बन भगवान बढ़े भारत की जिससे शान, राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो, राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो, पटेल सा स्वाभिमान बढ़े भारत की जिस शेषान, मैं वह पुरुष बनूं बढ़े भारत की, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, भगवान ऐसी ही लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर, हाँ देश और मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान फिर राम कृष्ण कले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण आप भगवान राम जी जैसे हो कि नहीं? भगवान कृष्ण जी भी तो आप ही की तरह थे, गौतम कनादे जमीनी पाणी नहीं पतंजलि आपकी तरह थे कि नहीं थे? उन फिर वो इतने बड़े कैसे बन गए? उन्होंने कभी प्रमाद नहीं किया, क्या किया? उन्होंने कभी निराशा की बात नहीं सोची, किसमें जिए? आशा उत्साह में। और तीसरी चीज, उन्होंने जीवन में पूरी बुरी आदतें, अच्छी आदतों में रहे, अच्छी आदत मर्यादा, इसलिए जो है भगवान राम को क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ी, मर्यादा जो तोड़ देता है तो बुरी आदत हो गई। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने कर्म योग किया तो इतने बड़े हो गए। भगवान शिव इतने बड़े ज्ञानी थे, देखो इतने बड़े योगी थे। बुरी चीजें नहीं अपनाने अपने जीवन में, याद रखना। हम सबको राम जी की तरह बनना है, किसकी तरह बनना है बोलो? भगवान कृष्ण जी की तरह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत संघ, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, अपने महापुरुषों की तरह। हमारा जीवन कैसा हो अपने पूर्वजों? अरे वो समझ में नहीं आते हो तो मैं रामदेव जैसा ही हो, मेरी तरह बन जाओ। फिर राम कृष्ण निकले घर घर, अर्जुन वकर्ण जैसे योद्धारणस्थली से, भीषम से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैन
और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से जैसा ऋषि दिखा दे भगवान आरियों को, ऐसी लगन लगा दे देश और धर्म की, मिटना इन्हें सिखा दे भगवान आरियों को, ऐसी लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर, हाँ देश और धर्म की खातिर मिथना इन्हें सिखा दे भगवान आदि हूँ को। बोलो भारत माता की।